सेना में भर्ती होने के सपने को साकार करने के लिए सेना से रिटायर्ड होकर लौटे नायक राजेश कुमार युवाओं को फ्री में ट्रेनिंग करवा रहे हैं। सुबह सवेरे तड़के खेल मैदान में पहुंचकर राजेश कुमार करीब एक दर्जन युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए तैयारी करवाने में जुटे हुए हैं। पल्टन नाम से शुरू किए गए इस सेना भर्ती की ट्रेनिंग के लिए युवा भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि पल्टन के शुरुआती दिनों में 3 युवा सेना में भर्ती भी हो चुके हैं। प्रशिक्षण देकर सेना भर्ती के लिए मैदान में युवाओं को निखार कर तैयारी करवा रहे राजेश का कहना है कि रोजाना खेल मैदान में आते थे और युवाओं को भर्ती के लिए सही ढंग से तैयारी ना होने पर इस तरह युवाओं को तैयारी करवाने का बीड़ा उठाया। जी देखिए, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो यहाँ पर ग्राउंड में आते हैं, अपना अपना फिजिकल करते हैं। मैं भी यहाँ पर ग्राउंड पे आता था, उन बच्चों को देखता था कि अपना अपना फिजिकल करते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पर ऐसे थे जो कि आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, फौज की नौकरी करना चाहते हैं। आर्मी के लिए इतने अनकरेज हैं कि उनको यहाँ पर जो है फिजिकल टेस्ट नहीं मिल पाता है। जो एक्चुअली फौज में जाने के लिए हमें फिजिकल टेस्ट चाहिए होता है, फिजिकल करना चाहते हैं, वो नहीं मिल पाता है, प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता है। तो मैंने इन लोगों को यहाँ पर देखा, इन बच्चों को यहाँ पर देखा, तो मेरे अंदर की आत्मा से कुछ दिल की आवाज़ आई कि मैं भी इनके लिए कुछ करूँ। इसलिए मैंने एक छोटा सा कैंप स्टार्ट किया है जिसके कोई चार्ज नहीं लेता हूँ, कोई फीस नहीं है। ये बच्चे यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आते हैं और यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग करते हैं। इन बच्चों को वही ट्रेनिंग दी जाती है जो कि हमें आर्मी में भर्ती होने के लिए, नॉन पैरा मिलिट्री फोर्सेज में भर्ती होने के लिए, एयर फोर्सेज में, नेवी में भर्ती होने के लिए चाहिए होती है। मैं सिर्फ वही ट्रेनिंग इनको करवाता हूँ, उसके अलावा और कुछ नहीं लेता हूँ, ना ही इनसे कोई पैसा लेता हूँ, ना ही कोई फीस लेता हूँ। मेरी यहाँ पर हमीरपुर के अंदर सभी लोगों से यही विनती है, सभी बच्चों से यही विनती है कि जो भी इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट इस ग्रुप को निधड़क होकर ज्वाइन करे। मैं पहले इंडियन आर्मी के अंदर 17 साल जॉब करके आ रहा हूँ। इंडियन आर्मी के अंदर मैं आर्मी कमांडो के अंदर जो एज ए इंस्ट्रक्टर में जॉब करके आ रहा हूँ, तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये ट्रेनिंग शुरू की है ताकि बच्चे जो आगे बढ़ सके और अपना भविष्य बना सके। सर, हमारे ग्रुप का नाम है फिजिकल ट्रेनिंग ग्रुप, इसके हमें फिजिकल ट्रेनिंग ग्रुप हमारे ग्रुप का नाम है और इसे हमें एक शॉर्ट नाम दे रखा है पल्टन के नाम से। यहाँ पर जितने बच्चे आते हैं पल्टन ग्रुप के नाम से जाने जाते हैं। एक छोटा सा ग्रुप हमारा जिसे हमने नाम दिया है पल्टन, तो पल्टन ग्रुप से ही हमारा ग्रुप जाना जाता है। वहीं फ्री में ट्रेनिंग ले रहे युवाओं का कहना है कि फ्री में ट्रेनिंग मिल रही है और इससे सेना में जाने के लिए मदद मिलेगी। उन्होंने बताया, यूं तो रोजाना ट्रेनिंग करते हैं लेकिन सही ढंग से प्रशिक्षण नहीं मिल पा रहा था और अब पल्टन ग्रुप से जुड़ने पर सेना में जाने का सपना नजदीक लग रहा है। सर, मैं ट्रेनिंग लेता हूँ, आर्मी की ट्रेनिंग लेने आ रहा हूँ सर, आर्मी में जाने के लिए। और सर, मैं मिस्टर सर ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो सुबह 5 बजे हम आते हैं यहाँ पे और सर भी 5 बजे से पहले आ जाते हैं मतलब, और हमें रनिंग करवाते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज करवाते हैं और सर मतलब बहुत ही अच्छे से करवा रहे हैं। और इससे सर हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमें सर मतलब फ्री में दे रहे हैं कोचिंग, और मतलब ऐसा तो सर हम कोचिंग सभी देते हैं पर मतलब सर जैसे सर मैं यहाँ पर आर्मी की तैयारी के लिए ट्रेनिंग ले रहा हूँ और हम सुबह यहाँ पर डेली 5 बजे आते हैं कोचिंग लेने के लिए, और जो हमारे सर हैं वो हमें बहुत अच्छे से जो है कोचिंग देते हैं, और जहाँ भी हमें कोई पता नहीं लगता है तो खुद एक्सरसाइज करके हमें बताते हैं और बहुत अच्छे से हमें कोचिंग दे रहे हैं। और हमें यहाँ पर पूरी मतलब यहाँ डेली आते हैं तो फिर इसलिए हमें कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो नहीं सर, हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आते हैं, हमसे कोई फीस नहीं ली जाती है और हमें डेली बोला जाता है कि हमें आना है और बस यहाँ पर कोचिंग लेनी है, हमें कोई फीस नहीं लेनी पड़ती है। गौरतलब है कि राजेश कुमार ने 17 सालों तक 3 डोगरा रेजिमेंट में सेवाएं दी हैं और बतौर कमांडो प्रशिक्षक सेना में कार्यरत रहे हैं। अब घर पर आने पर सेना में भर्ती होने वाले युवाओं के लिए राजेश की पल्टन काम कर रही है। राजेश का सपना है कि आने वाले समय में युवाओं की पल्टन तैयार करके सेना में भेजे ताकि देश की रक्षा हो सके, इसीलिए राजेश ने अपने ग्रुप का नाम भी पल्टन रख दिया है।